ओके, रिटर्न। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ये, इन द गिवेन फिगर, इन द गिवेन फिगर पी क्यू इज ए टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर ओ, एट द पॉइंट बी इफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 100 डिग्री, देन फाइंड एंगल ए बी पी। देखो ये सही फिगर दिया है, पी वी क्यू दिस इज ए, ये कितना दिया है 100 डिग्री। ओके नाउ टेंजेंट ए रेडियस ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू एवरी टेंजेंट। अभी देखो यहाँ पे ये कितना डिग्री हो गया, 90 नहीं तो 90 मिल गया ना, नहीं सिर्फ हमको ये चाहिए, ये एंगल कितना आ रहा, ये 100 आ गया। दिस इज आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, तो एक एंगल 100 आ गया तो दूसरा कितना आएगा 80 डिग्री, 80/2 करेंगे तो कितना आएगा इच 40 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 40, ये 40, 90 से 40 गया तो बचेगा कितना 50 डिग्री, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 50 डिग्री। समझ में आया, ये देखो 100 है, ये दोनों कितना आएगा 40 40, इक्वल एंगल है तो बचेगा कितना 50। तो हाउ यू कैन राइट, ओके नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी, ओके ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, एंगल ओ ए बी विच इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी ए विच इज इक्वल्स टू 100 माइनस 180 माइनस 100 बाई 2 कर देंगे, ठीक है दिस इज 80/2 40 डिग्री इच। ओके नाउ एंगल ए पी बी ए बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री विच इज एग्जैक्टली 50 डिग्री, इट इज योर आंसर। ये आ गया 40 डिग्री 40 डिग्री, समझ मारा है, टोटल कितना है 90 है, 90 से 40 गया तो बचा कितना 50। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा 100%। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द 16th क्वेश्चन, ओके रो वन मार्क 16 क्वेश्चन, ओके द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 cm इज 10 cm, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। दिस इज ओनली द बेस्ड ऑन दिस थियोरम, ओके सर्कल थियोरम, दिस टू क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दैट इज सर्कल थियोरम 10.1 एंड 10.2। ओके अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट
the length of the tangent from an external point point P to a circle of radius 5 cm is 10 cm. Find the distance and the distance of the point P from the center of circle. देखो पहले क्या है ना, फिगर इसका बनाना है। ये देखो टेंजेंट है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पे आ जाओ। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, एक्सटर्नल पॉइंट क्या दिया है, पी दे दिया, ठीक है, टू ए सर्कल ऑफ रेडियस, द सर्कल हैविंग सेंटर ओ, रेडियस कितना दे दिया, 5 cm, ओके। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, व्हाट इट इज आस्किंग, ओ पी, एंड पी एम इज गिवेन 10 सेंटीमीटर, ओ एम इज गिवेन 5 सेंटीमीटर। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस रूल, व पी इज इक्वल्स टू, टेल मी, ओ एम स्क्वायर प्लस PM square square root. What is the value of OM? 5 square, 10 square, 25 plus 125. 25 3 जा 125 का क्या आएगा square root? 5 2 जा 10. So 125 is written as 5 root 5 centimeter. Okay, that will be the distance from center to external point. Na aa gaya. Dekho last question aur pe diya hai. Two concentric circles are ready 5 cm and 3 cm. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller one. ये लिख लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन वन, ओके। Two concentric circles how many circles are available there two circles two concentric circles are of ready 5 cm and 3 cm Find the length of chord and the length of chord of the larger circle which touches the smaller circle. ओके देखो फिगर पे आओ,
दोनों का रेडियस दे दिया है, हाँ एक का क्या है, लार्ज सर्कल का रेडियस कितना आएगा 5 cm, स्मॉल सर्कल का 3 cm. कंसेंट्रिक मीन्स बोथ द सर्कल हैविंग वन कॉमन सेंटर. ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल. ए बी द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल. ओके, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, दिस इज ओ एम एंड जॉइन ओ बी. देखो क्या करेंगे, ओ एम का मेजरमेंट कितना दे दिया, दैट विल बी द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल 3 cm. ठीक है, ओ बी व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ ओ बी 5 cm. वी नीड टू फाइंड बी एम, अप्लाई सेम रूल, बी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर. सो बी एम इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर स्क्वायर रूट. वही पाइथागोरस रूल, पी बी एच का रिलेशनशिप चल रहा है. ठीक है, ओ बी का क्या लिख दिया है, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. 5 स्क्वायर इज 25. व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16? द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू एनी कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. तो बी एम का मेजरमेंट कितना आया, 4 cm. द लेंथ ऑफ कॉर्ड टू इंटू फोर इज इक्वल्स टू 8 cm. ओके, दिस मच टुडे. थैंक यू स्टूडेंट्स.